रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में सोमवार को डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारियों के साथ बैठक कर लूट, चोरी, हत्या सहित अन्य मुकदमों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी और लंबित पड़ी विवेचना के निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। इस संबंध में डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने बताया कि लूट, चोरी जैसी विभिन्न मुकदमों में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी और लंबित पड़ी विवेचनाओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। बैठक के दौरान एसपी सिटी सोनम कुमार, एसपी क्राइम महेंद्रपाल सिंह, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी, सीओ कैंप पियरगंज आईपीएस राहुल भाटी, आईपीएस शशांक सिंह, सीओ कैंट सुमित शुक्ला, सीओ कोतवाली बीपी सिंह और सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने बताया। सीओ कैंपिंग में जहाँ पता है जो है उसमें काफी गाड़ी है और पते नहीं आए हैं, कैसे चल रहा है कैंपिंग में सिखाई हो जाए। पता नहीं चल जाता कि अभी सभी सीओज की और एडिशनल एसपीज की मीटिंग होगी जो गैंगस्टर में वांटेड है, जो अन्य वांटेड है लूट में, नकबजनी में, चोरी में, जो भी क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पिछले 5 साल में जितने क्रिमिनल्स क्राइम किए हैं उसका एक एक का हिसाब सीओ साहब रखेंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे। इसके अलावा विवेचनाओं की जितनी विवेचनाएँ हमारी लंबित हैं उन पर भी कार्रवाई करने के लिए और इन्वेस्टिगेशंस को सही तरीके से, गुणवत्ता तरीके से, समयबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए ये सीओज को निर्देश दिए गए हैं, उसके लिए लगा। थैंक यू।